हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो क्लास को। आगे बढ़ने से पहले मैं इस एसएससी सीजीएल 2018 के टारगेट बैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से इसका पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। देखिए, ये है क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है लेकिन इसमें एग्जामिनर काफ़ी सारी चीज़ें चेक करता है। आपकी कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी चेक करता है, आपकी ग्रामर चेक करता है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करता है। कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी का मतलब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड वहाँ पर मोस्ट सूटेबल रहेगा। ये सबसे बड़ा गोल रहता है एग्जामिनर का क्लोज टेस्ट के थ्रू आपकी एबिलिटी को चेक करने का। लेकिन इसके थ्रू आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपकी वोकेबलरी की नॉलेज भी आपकी चेक की जाती है। तो चलिए इस क्लोज टेस्ट को हम देखते हैं, और इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर इसके थोड़े से देख लेते हैं। ये इसके ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ए में, ये अलग पैटर्न का थोड़ा सा क्लोज टेस्ट है, और इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद रैपिड फिलर्स को आपको शुरू करना चाहिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको अप्रोच करना है और क्लोज टेस्ट किस बारे में है। स्टॉपिंग पैनिक अटैक इज द गोल ऑफ एवरीबडी हु फ्रॉम देम। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें पैनिक अटैक के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। आफ्टर ऑल दीज अटैक्स कैन विदाउट एनी वार्निंग कैन बिकम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इफ लेफ्ट अनचेक्ड। पैनिक अटैक एक डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक व्यक्ति को घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, पसीना आने लगता है, ठीक है, हार्ट बीट उसकी तेज़ हो जाती है। ये होता है चिंता या फिक्र की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से, या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, एक व्यक्ति की जब एज ज़्यादा हो जाती है, तब उसको थोड़ा सा पैनिक अटैक होने लगता है। तो सिचुएशंस में भी पैनिक अटैक होता है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पैनिक अटैक इज द गोल ऑफ एवरीबडी हु फ्रॉम देम। मतलब पैनिक अटैक को रोकना हर किसी व्यक्ति का गोल है जो उससे करते हैं, जो उससे क्या करते हैं। अब एवरीबडी जो है एक सिंगुलर वर्ड है, वैसे तो ये प्रोनाउन है, लेकिन अपने बाद ये यहां पर, ठीक है, अपने बाद यहाँ पर ये जो वर्ब लेगा ये सिंगुलर लेगा, क्योंकि एवरीबडी जो है वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक वर्ब चाहिए, और एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो। अब देखिए, ऑप्शंस जो दिए हैं इसमें, एक तो सफ़र में एस लगा है और एक बेनिफिट में एस लगा है। अब यदि आप बेनिफिट यहाँ पर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि स्टॉपिंग पैनिक अटैक इज द गोल ऑफ एवरीबडी हु बेनिफिट फ्रॉम देम। ठीक है, तो हर किसी व्यक्ति का एक गोल है पैनिक अटैक को रोकना, जो उससे बेनिफिट करता है। यदि आप उससे बेनिफिट करते हैं तो आप उसको रोकना क्यों चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेनिफिट यहां पर आपका गलत आंसर होगा। यदि मैं फ्री लगाता हूं, इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम देम, यदि आप पैनिक अटैक से फ्री हैं तो आप उसको रोकना क्यों चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्री एकदम गलत चॉइस है और बेनिफिट एकदम गलत चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो, क्योंकि एवरीबडी अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हर्ट में एस नहीं लगा हुआ। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए गए। डायग्नोज क्यों नहीं आएगा, डायग्नोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डायग्नोज के बाद हम प्रपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। आई एम डायग्नोज विद कैंसर, आई एम डायग्नोज विद टीबी, आई एम डायग्नोज विद फीवर। तो डायग्नोज के बाद हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा सफर्स। सफ़र्स देखिए सिंगुलर भी है, इसमें एस लगा हुआ है, और सफ़र के बाद जो प्रपोजिशन हम लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए बाकी सारे ऑप्शन फ्री, बेनिफिट, हर्ट और डायग्नोस गलत होंगे, और सफ़र यहाँ पर सही होगा। स्टॉपिंग पैनिक अटैक इज़ द गोल ऑफ एवरीबडी हु सफ़र्स फ्रॉम देम। जो उससे सफ़र करेगा वही तो उसको रोकना चाहेगा, जो उससे फ्री होगा या जिसको बेनिफिट होगा पैनिक अटैक से, वो उसको रोकना क्यों चाहेगा। तो एक सिंपल सा कॉमन सेंस यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आगे हम पढ़ते हैं, आफ्टर ऑल दीज अटैक्स कैन, ये है आपका सेकंड फिलर। आफ्टर ऑल, आखिरकार दीज अटैक्स कैन विदाउट एनी वार्निंग एंड कैन बिकम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इफ लेफ्ट अनचेक्ड।
यदि इसको इनको पैनिक अटैक्स को अनचेक्ड छोड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने, बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं, इससे मौत भी हो सकती है आपकी, ठीक है। एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इन द सेंस कि इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू, एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इफ लेफ्ट अनचेक्ड। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, चेंज, अपीयर, अकर, वैनिश और फील। अटैक्स कैन विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी वार्निंग के क्या क्या होता है, विदाउट एनी वार्निंग के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है चेंज, अटैक कैन चेंज, चेंज के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, इट कैन चेंज समथिंग, ठीक है। अटैक कैन चेंज विदाउट एनी वार्निंग, यदि आप चेंज बोलते हैं कि इट कैन चेंज विदाउट एनी वार्निंग, तो इसका कोई सेंस नहीं है कि पैनिक अटैक बिना किसी वार्निंग के चेंज हो सकता है, कोई सेंस इसका यहाँ पर नहीं निकल रहा है। अब देखिए अपीयर का क्या मतलब है, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, तो पैनिक अटैक जो है वो प्रकट नहीं होता क्योंकि ये साइन नहीं है, ठीक है। अपीयर तो हम किसके लिए लगाएंगे, जैसे जैसे आपके शरीर पर कोई किसी चीज़ के साइन हैं तो उसके लिए हम अपीयर वर्ड लगाएंगे, आपके मुहासे निकल आए या आपका कोई बॉडी का कोई बीमारी का कोई साइन है तो उसके लिए हम अपीयर वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पैनिक अटैक एक्चुअली अपीयर नहीं होता, पैनिक अटैक अपीयर नहीं होता क्योंकि ये एक फिजिकल थिंग्स नहीं है, पैनिक अटैक होता है, ठीक है। पैनिक अटैक अपीयर नहीं होता बल्कि होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप अकर वर्ड लगा सकते हैं, अकर का मतलब होता है होना, जिसको हम बोलते हैं टेक प्लेस। तो पैनिक अटैक कैन अकर विदाउट एनी वार्निंग एंड कैन बिकम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग। अब बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं, वैनिश, वैनिश का मतलब तो होता है गायब होना, ठीक है। तो पैनिक अटैक कैन वैनिश विदाउट एनी वार्निंग, क्या सेंस निकला इसका कि बिना किसी चेतावनी के वो गायब हो सकते हैं, गायब तो वो तब होंगे ना जब वो साइन होंगे, लेकिन साइन तो ये है ही नहीं, ये तो अटैक है, ये तो होंगे, तो इसलिए यहाँ पर वैनिश वर्ड नहीं आएगा। पैनिक अटैक कैन फील विदाउट एनी वार्निंग, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। पैनिक अटैक कैन फील, इसका तो मतलब ये हुआ कि पैनिक अटैक जो है वो किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, जबकि पैनिक अटैक तो क्या है, एक बीमारी, एक डिसऑर्डर का नाम है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते। तो इसलिए चेंज, अपीयर, वैनिश और फील यहाँ पर गलत ऑप्शंस होंगे और अकर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अकर का मतलब होता है होना, ठीक है। विदाउट एनी वार्निंग एंड कैन बिकम एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इफ लेफ्ट अनचेक्ड। इन ए लॉट्स ऑफ केसेस द कंडीशन गेट्स वर्स विद ईच पैनिक अटैक। अब देखिए सी में क्या ऑप्शन दिए हैं, सी में एपिसोड है, टाइम है, डोज है, एक्सीडेंट है और ट्रीटमेंट है। यदि आप यहाँ पर बोलते हैं इन ए लॉट ऑफ केसेस द कंडीशन गेट्स वर्स, मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस में जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाती है, गेट्स वर्स, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है विद ईच ऑफ पैनिक अटैक, तो टाइम के बाद ऑफ नहीं आएगा, टाइम के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। डोज हम लगाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यदि आपको पैनिक अटैक का डोज दिया जा रहा है तो आपकी सिचुएशन वर्स नहीं होगी, आपकी सिचुएशन बद से बदतर नहीं होगी बल्कि इम्प्रूव होगी, यदि ये कॉमन सेंस लगाएं आप तो। डोज बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं आएगा, एक्सीडेंट का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन लॉट्स ऑफ केसेस द कंडीशन गेट्स वर्स विद ईच एक्सीडेंट ऑफ पैनिक अटैक। पैनिक एक्सीडेंट, पैनिक अटैक का एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक फिजिकल इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके साथ आप एक्सीडेंट वर्ड नहीं लगा सकते पैनिक अटैक के साथ। और ट्रीटमेंट यदि आप दे रहे हैं पैनिक अटैक का, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपकी सिचुएशन वर्स नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है कि इन लॉट्स ऑफ केसेस द कंडीशन गेट्स वर्स विद ईच ऑफ पैनिक अटैक। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट की जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाती है, बद से बदतर होती जाती है हर एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक के साथ। एपिसोड होता है एक डेफिनेट टाइम, एक डेफिनेट पीरियड, एक एपिसोड हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड कहना आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा एपिसोड के बाद हम ऑफ भी लगाते हैं, एपिसोड ऑफ ईच पैनिक अटैक, ठीक है। विद ईच एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक, विद ईच सीक्वेंस ऑफ पैनिक अटैक, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका एपिसोड। टाइम यहाँ पर टाइम का इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, विद ईच टाइम ऑफ पैनिक अटैक, ठीक है। ईच टाइम ऑफ पैनिक अटैक कहते हैं तो इसका मतलब ये कि हर समय जब पैनिक अटैक आता है, तो ये उतना
अप्रोप्रिएट नहीं होगा टाइम कहना, वैसे भी टाइम के बाद हम ऑफ नहीं लगाते हैं, विद ईच टाइम ऑफ पैनिक अटैक कहना इन अप्रोप्रिएट होगा, तो एपिसोड कहना यहाँ पर आपका सही होगा, विद ईच एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक। अब हम आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल एंड टू रिटर्न टू ए लाइफ। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सकती है और आपकी लाइफ वापस पटरी पर आ सकती है। कैसी लाइफ थी आपके पास जब आपका जब पैनिक अटैक आया, तो पैनिक अटैक से पहले आपकी जो लाइफ थी वो कैसी लाइफ थी, वो लाइफ जो थी वो कैसी थी, वो नॉर्मल लाइफ थी। ठीक है, उसको हम हैप्पी लाइफ नहीं बोलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी लाइफ नॉर्मल है और आपको पैनिक अटैक नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हैप्पी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, बेसिक लाइफ जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, बेसिक नीड्स हम बोल सकते हैं लेकिन बेसिक लाइफ हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर लाइफ एक्चुअली क्या है, लाइफ नाउन है, लाइफ अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कौन सा वर्ड करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो लाइफ के साथ जा सकता है वो है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मेलसी क्या है, एक नाउन है, नॉर्मेलसी का मतलब है नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मेलसी नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, नॉर्मल आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यूजुअली लाइफ, यूजुअल लाइफ तो हो सकती है, एक्चुअली यूजुअल लाइफ नहीं होती, यूजुअल रूटीन होता है। ठीक है, तो यूजुअल भी यदि ये होता तो गलत होता, यूजुअली तो पूरी तरीके से ये गलत है। हैप्पी लाइफ हम नहीं बोलेंगे, हैप्पी लाइफ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है, और बेसिक लाइफ कहना ये गलत है, बेसिक लाइफ जैसा कोई वर्ड नहीं होता। रिटर्न टू ए नॉर्मल लाइफ व्हेन द एक्चुअल, ई में हम ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द एक्चुअल ऑफ दीज अटैक्स आर नॉट रियली क्लियर। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि अटैक्स का कॉजेस की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द एक्चुअल ऑफ दीज अटैक्स आर नॉट रियली क्लियर, हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमें उसके रीजंस नहीं पता है, एक्चुअल्स इसके जो पैनिक अटैक के एक्चुअल रीजंस हैं वो हमें नहीं पता होते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको पैनिक अटैक को शुरू कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, लॉजिक बैठाते हैं किस तरीके से आएगा। व्हेन द एक्चुअल, अब देखिए यहाँ पर अटैक्स दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नाउन चाहिए वो प्लूरल चाहिए, और प्लूरल नाउन कौन सी है इसमें से, प्लूरल नाउन है इसमें दो, कॉजेज और सर्कमस्टेंसेस। तो कॉजेज और सर्कमस्टेंसेस में कॉजेज ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि कॉजेज का मतलब होता है, कॉजेज और रीजन में ये अंतर है कि कॉज एक इफेक्ट को क्रिएट करता है, रीजन किसी चीज़ को जस्टिफाई करता है, कॉज एक इफेक्ट को क्रिएट करता है। तो हम इस किसके कॉज बता रहे हैं, हम अटैक के कॉज बता रहे हैं, अटैक अपने आप में एक इफेक्ट है, ठीक है, और उसका कॉज क्या है ये यहाँ पर हम बता रहे हैं। When the actual cause of these attacks, अब देखिए इसको एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए helping verb, देखिए आर लगा है, यहाँ पर helping verb आर है, तो आर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो noun चाहिए वो plural में चाहिए, तो उस हिसाब से भी causes यहाँ पर सही होगा। Reason हम लगाते हैं justification के लिए, और cause हम लगाते हैं जिस जब effect create होता है, what is the cause of this fire, ठीक है, रीज़न हम लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। रीज़न और कॉज में क्या अंतर है ये अभी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम कॉजेस को सही मानेंगे। रूट सिंगुलर है तो नहीं आएगा, टास्क सिंगुलर है तो नहीं आएगा, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। व्हेन द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ दीज अटैक्स आर नॉट रियली क्लियर, सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा क्लोज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम मेडिकल टर्म की बात कर रहे हैं और एक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर जो होता है वो एक कॉजेज होते हैं डिसऑर्डर के, सर्कमस्टेंसेस नहीं होती, तो इसलिए सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर उतना प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर कॉजेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर दीज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन पैनिक अटैक, थिंग्स लाइक स्ट्रेस और मेजर लाइफ। देखिए स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ सकता है। थिंग्स विच कैन, अब यहाँ पर क्या आएगा, एफ में हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने कॉज और रीज़न का डिफरेंस बताया, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉज क्या होता है, दैट विच प्रोड्यूस एन इफेक्ट, थिंग इवेंट पर्सन, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इफेक्ट को पैदा करती है उसको हम बोलते हैं कॉज, जैसे स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज,
रीजन के थ्रू हम जस्टिफिकेशन को बताते हैं या मोटिव को बताते हैं. जैसे गिव मी द रीजन फॉर योर गोइंग, आपके जाने का रीजन बताइए, मोटिव बताइए. ठीक है, तो यहां पर ये कॉज और रीजन का मैंने डिफरेंस बताया है. यहां पर हम देखिए बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो उसको स्टार्ट कर सकता है. हाउ एवर देर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन पैनिक अटैक्स. तो यहां पर क्या वर्ड दिए, ट्रिगर. अब देखिए यहां पर मैं एक लॉजिक और बताता हूं, सर्टेन थिंग्स दिया है. यदि आप यहां पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, हाउ एवर देर आर सर्टेन थिंग्स, थिंग्स लिखा है यहां पर. तो यहां पर आपको ऐसी नाउन चाहिए जिसमें एस नहीं हो, बिना एस वाली आपको नाउन चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मेक्स इसमें नहीं आएगा और मेक्स का कोई सेंस भी नहीं बन रहा कि पैनिक अटैक को हम मेक नहीं करते, पैनिक अटैक को हम स्टार्ट करते हैं. और पैनिक अटैक जो आता है वो अचानक से आता है. जैसे गोली चलाते हैं हम, तो अचानक से गोली निकलती है, इसीलिए गोली चलाने को हम ट्रिगर बोलते हैं. ट्रिगर वहाँ पर एक पॉइंट होता है जिससे हम जो बटन होता है उसका दबाते हैं. तो पैनिक अटैक चूंकि अचानक आता है इसलिए ट्रिगर जो वर्ड है ये यहाँ पर सही होगा, ट्रिगर. ठीक है, अब देखिए मेक्स, मेक्स तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेक में हमें एस नहीं चाहिए, इसमें एस लगा हुआ है. हमें यहाँ पर ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस ना हो. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो इसलिए मेक्स गलत हो जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूट के बाद हम टू लगाते हैं तो टू इसमें दिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा. विच कैन फॉर्म पैनिक अटैक, पैनिक अटैक को हम फॉर्म नहीं करते क्योंकि पैनिक अटैक कोई फिजिकल चीज़ नहीं है. फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम फॉर्म करते हैं. इन्हेंस का अर्थ होता है किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाना, तो इन्हेंस तो पूरी तरीके से गलत होगा यहाँ पर क्योंकि किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाने की हम बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर होगा विच कैन ट्रिगर पैनिक अटैक्स, थिंग्स लाइक स्ट्रेस और मेजर लाइफ. अब यहाँ पर क्या होगा, मेजर लाइफ लाइक ए न्यू जॉब, मैरिज, हैविंग ए बेबी और मूविंग टू ए न्यू प्लेस. इन सब चीज़ों की वजह से भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकती है और आपको पैनिक अटैक आ सकता है. वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, न्यू जॉब आपको मिला है, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चा हुआ है, इन सिचुएशंस में भी आपको आपकी सिचुएशन चूंकि चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, लाइफ में एक चेंज आता है तो उनकी वजह से भी एक स्ट्रेस फ्री सिचुएशन बन सकती है आपकी. जैसे सपोज आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके पास आपका बॉस आपको काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन में रखता है. ठीक है, मैरिज हो गई है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, या आपके हैविंग ए बेबी मतलब आपके बच्चा हो गया है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे भी पैनिक अटैक आ सकता है, एक सिचुएशन एक क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, मैरिज, हैविंग ए बेबी और मूविंग टू ए न्यू प्लेस. अक्रेंसेस हैं, एडजस्टमेंट है, ट्रांजिशंस हैं, डिसीजंस हैं, फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, तो इनको देखिए हम एक एक करके एनालाइज करते हैं. ये अक्रेंसेस हो सकती हैं, ये घटनाएं हो सकती हैं. एडजस्टमेंट यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैरिज, हैविंग ए बेबी, मूविंग टू ए न्यू प्लेस ये एडजस्टमेंट नहीं है. ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि ये चेंज है. डिसीजंस कहना गलत हुआ क्योंकि मूविंग टू ए न्यू प्लेस इज नॉट ए डिसीजन. मूविंग टू ए न्यू प्लेस, हैविंग ए बेबी, मैरिज ये घटनाएं हैं बेसिकली, डिसीजंस ये नहीं है. और फेस्टिवल्स इसको हम नहीं बोल सकते. ठीक है, तो इनकी वजह से ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से आपकी लाइफ में एक चेंज आता है और उस चेंज की वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस चीज़ के लिए आप नए होते हैं. तो चेंज के लिए जो सही वर्ड है वो है ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, एक घटना होती है और उस घटना की वजह से चेंज आता है, फिर दूसरी घटना होती है और उस घटना की वजह से एक चेंज आता है. और यही हम इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं. तो अक्रेंसेस कहना यहाँ थोड़ा सा गलत होगा. अक्रेंसेस का अर्थ होता है घटनाएं, ये नॉर्मल घटनाओं को हम अक्रेंसेस बोलते हैं. इसके लिए ट्रांजिशन वर्ड एकदम सही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रिगर, थिंग्स लाइक स्ट्रेस और मेजर लाइफ ट्रांजिशंस लाइक ए न्यू जॉब, मैरिज, हैविंग ए बेबी और मूविंग टू ए न्यू प्लेस. ठीक है, आगे हम देखते हैं, इफ़ यू सफर फ्रॉम एगोराफोबिया. एगोराफोबिया क्या होता है, एगोराफोबिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें ओपन स्पेसेस में जाने में आपको डर लगता है, आपको ऐसे स्पेसेस में जाने में डर लगता है यहाँ पर क्लोज्ड सर्कमस्टेंसेस रहती हैं, जैसे लिफ्ट है तो जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते वहाँ से आपको इस तरह के प्लेसेस में आपको डर लगता है. मार्केट जाने में, बाहर जाने में उसको डर लगता है, उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया. ठीक है, एक तरह का फोबिया होता है, एक तरह का फीवर होता है, ये एक तरह का फियर होता है. इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एगोराफोबिया विच इज़ द ऑफ पब्लिक प्लेसेस. तो यहाँ पर तो सिंपल सा वर्ड आएगा फियर, क्योंकि फोबिया का अर्थ होता है फियर.
ठीक है, बाकी सारे वर्ड इसमें इनअप्रोप्रिएट हैं, और यहाँ पर आएगा आपका फियर, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, दिस कैन ब्रिंग ऑन एन अटैक, एंग्जाइटी अबाउट एनी सिचुएशन इज ऑल्सो, और ये एगोराफोबा का फोबिया का दिया है, और यहाँ पर क्या आएगा, एंग्जाइटी अबाउट एनी सिचुएशन इज ऑल्सो फॉर दिया है, फॉर कॉजिंग एन इंसिडेंस ऑफ पैनिक अटैक। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, एंग्जाइटी जो है चिंता जो है उससे भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है, एंग्जाइटी अबाउट एनी सिचुएशन, किसी चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, एंग्जाइटी अबाउट एनी सिचुएशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एन इंसिडेंस ऑफ पैनिक अटैक। रिस्पॉन्सिबल का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल का इक्विवेलेंट वर्ड है इसमें कल्पेबल, ठीक है, कल्पेबल के साथ हम फॉर भी लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कल्पेबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का इक्विवेलेंट वर्ड है, लाइबिलिटी तो नाउन है, कल्प्रेट भी नाउन है, कल्प्रेट एक्चुअली एडजेक्टिव है, कल्प्रेट का मतलब होता है जिसने कोई गुनाह किया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, रिस्पॉन्सिव नहीं, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो रिस्पॉन्ड करता है जल्दी से, और फैक्टर एक नाउन है, तो इसलिए कल्पेबल यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो ये क्लोज टेस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक आप दीजिए ईमेल आईडी पर या कमेंट बॉक्स में लिख के। जितना ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, ऑनेस्ट भी अच्छा फीडबैक मतलब ऑनेस्ट आप फीडबैक यदि देंगे, तो मैं और अच्छे वीडियोज़, इससे भी अच्छे वीडियोज़, इससे भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसमें फर्दर क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।